नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु डॉट कॉम से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 अक्टूबर सन 2021। आज के इस शो में हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण कृषि उपज गवार सीड सोयाबीन में संभावनाएं बनेगी, इसके अतिरिक्त नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बनेगी। आज सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज मिश्रित रुख की ओर इशारा कर रहा है। विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। और पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि आप आपके लिए दिन संभवतः मुश्किल भरा हो सकता है। सावधानी रखिए और विशेषकर 12 से 1 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 यानी वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन MCX पर जो ट्रेडिंग करते हैं 7 से 8 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखें। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियाँ हैं कर्क वृश्चिक और मीन राशि, दिन आपका शुभ और मंगलकारी रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में आप रह सकते हैं। लेकिन विशेषकर 1 से 2 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान एवं खतरा के घंटे। अब एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों आपको याद होगा हमने गवार सीड के ऊपर आपको लगभग 3 से 6 महीने पहले एक विशेष इंटरव्यू मार्केट टाइम्स पे दिया था। 3 महीने पहले भी आपको आगाह किया था और 1.5 महीने पहले भी आगाह कहा किया था कि गवार में तेजी बन सकती है और वस्तुस्थिति ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन और साथ में मंदी के झटकों का भी आपको अग्रिम अनुमान दिया था, उम्मीद है आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों अब अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह चल रहा है, अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह के से गवार सीड की फसल बाजारों में अब आने की संभावना बन सकेगी। एक गौरतलब है गवार सीड के एग्जैक्ट उत्पादन और हाजिर स्टॉक का अनुमान लगाना सदैव से ही बड़ा मुश्किल भरा काम रहा है, क्योंकि किसान और कारोबारी अपना स्टॉक साल दर साल सहेज के रख लेते हैं। 3-3, 5-5 साल और 8-8 साल पुराना गवार भी बाजारों में देखने को मिल सकता है, किसानों के पास भी हो सकता है और कारोबारी बंधुओं के पास भी हो सकता है। अतः गवार सीड का सही हाजिर स्टॉक पे अनुमान अक्सर लगाया जाता है विभिन्न कारोबारी संस्थाओं के आधार पर, सरकारी आधार पर और व्यक्तिगत अनुमान भी। हमारा अनुमान है लगभग इस साल, जैसे हमने आपको लगातार अपडेट दिया है कि गवार सीड के ऊपर साल दर साल लगातार गवार सीड की कीमतों में भारी कमी के वजह से इस साल किसानों ने बहुत कम बिजाई की है, और जब बिजाई ही नहीं की है तो उत्पादन कैसे आएगा, ये एक विचारणीय विषय है। और हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ बोरी का अनुमान रहता है इसकी खपत का, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटी है। विशेष ख्याल रखिए इस बार लगभग 25 से 30 लाख बोरी गवार का उत्पादन की संभावना बन रही है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न, क्या किसान गवार सीड को मंडियों में बेचने के लिए अभी लाएगा या रोकेगा, ये प्रश्न मैं आपसे बात करता हूँ। और वो कारोबारी जिन्होंने गवार सीड और गवार गम को बरसों तक रखा है, 4-4, 5-5 साल से रोक के रखा है, क्या वो इस समय बेचेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है किसान इस बार, क्योंकि किसानों की जबरदस्त फसलों की पिटाई हुई है, मानसून की बेरुखी, पहले सूखा फिर तेज बरसात, इससे बड़ी परेशानियां हुई हैं। यद्यपि कुछ इलाकों के अंदर इसको फ़ायदा भी रहा है, लेकिन फ़ायदे के मुकाबले नुकसान अधिक रहा है, तो किसान बहुत परेशान रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि मेरे अनुमान के हिसाब से किसान इस बार अपनी फसल पूरी बाज़ारों में शायद ना लाए, कम लाए। तो दोस्तों आपका क्या विचार है, क्या आपका क्या रुझान है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। क्या किसान गवार सीड की उपज बाजारों में लाएगा या नहीं, या कम लाएगा, अपने रुझान अवश्य दीजिएगा। आज गवार सीड के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं, गवार गम भी तेजी का रुख अख्तियार कर सकता है, सोयाबीन के अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। इसके अतिरिक्त दोस्तों शेयर बाजार के अंदर आज पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर नजर रखना उचित रहेगा। इसमें भेल पर नज़र रखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पर नज़र रखिए, इसके अतिरिक्त LIC हाउसिंग फाइनेंस पर नज़र रखिए। गौरतलब है पूरे विश्व में इस समय ऊर्जा संकट आया हुआ है, यूरोप के अंदर नेचुरल गैस की भारी कमी महसूस की जा रही है, चाइना के अंदर
भी पावर यानी बिजली की बेहद कमी दर्ज हो रही है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार में पावर और एनर्जी स्टॉक्स में पड़ सकता है। इसमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, REC, NTPC जैसे शेयर हैं, इसमें माफ कीजिएगा, इस पर नज़र रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भेल पे भी नज़र रख सकते हैं, ONGC पर भी नज़र रखी जा सकती है, कोल इंडिया पर भी नज़र रखी जा सकती है। ये था शेयर बाजार पर आकलन। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर आज बुलियन के अंदर उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन निचले स्तर पर तेजी की संभावना है। बुलियन के अंदर संभावना बन सकती है, सोने के अंदर आज तेजी की संभावना बन सकती है, एक विशेष ख्याल रखें। एक विशेष महत्वपूर्ण, ये सभी जानकारियाँ फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी जा रही है। कोई भी किसी भी प्रकार का नफा नुकसान की जिम्मेदारी ना चैनल ना विश्लेषक की रहेगी। आप कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का अध्ययन, विवेक एवं अपने सलाहकार से भी जानकारी ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, एग्रो कमोडिटीज हो, क्षमता से अधिक काम करना हमेशा से नुकसानदेह होता है। एक अधिक सीमा से अधिक नुकसान लेना भी कारोबारियों के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। लक्ष्य पे आने पर अपना मुनाफा वसूल करें, और यदि किसी कारण से अधिक विपरीत ट्रेड जा रहा है तो उसे निकल भी जाएं। ये इस कारोबार की प्रवृत्ति है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।